Bismillahir Rahmanir Rahim. On the demand of Abhishek, BCA, Kolhan University, Jharkhand. ये problem differential calculus की है, या कहना चाहिए कि integral calculus की है. Trace the curve y square is equal to x minus 1 whole square and find the area of its slope. यानी ये शुरुआत में जो है ट्रेस करना है तो ये तो डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड है और ये बात में एरिया फाइंड करना है तो ये इंटीग्रल कैलकुलस से रिलेटेड है. मींस ये कैलकुलस की एक प्रॉब्लम है. तो सबसे पहले तो हमें इस कर्व को ट्रेस करना है और इस कर्व का इक्वेशन हमें गिवन इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एक्स माइनस वन होल अब स्क्वायर. तो हम देख रहे हैं यहाँ पर y में जो कि इवन पावर है तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा कर्व, यानी जैसा कि x एक्सिस के ये ऊपर होगा वैसे ही ये x एक्सिस के नीचे होगा. अभी हमें नहीं पता कि ये कर्व कैसा होगा लेकिन रफ आइडिया हम थोड़ा सा बता रहे हैं. जैसे x एक्सिस से ऊपर होगा वैसे नीचे होगा. कैसा है कर्व अभी हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन जैसा x एक्सिस के ऊपर हमें नज़र आएगा वैसे ही नीचे नज़र आएगा. दूसरा देख रहे हैं कि वाई एक्स में क्योंकि ऑड पावर है तो ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होगा, यानी वाई एक्सिस के जैसे इधर है वैसे उधर नहीं होगा, यानी एक्स एक्सिस के अबाउट ही सिमेट्री है यहाँ पर. अब यहाँ पर इसमें सिमेट्री को देखने के बाद हम इसमें अगर होल अब स्क्वायर ओपन करें तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस का वन, और एक्स की जो सबसे यानी सबसे कम पावर का जो टर्म है इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे वन में इस एक्स का तो एक्स है, और सबसे कम पावर का जो टर्म मिलेगा वो हम दिखा भी दे रहे हैं. इसका इंटू करेंगे एक्स क्यूब माइनस का टू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, और लोवेस्ट डिग्री टर्म ओनली एक्स है. इसको ज़ीरो के बराबर पुट करके हम टेंजेंट निकालेंगे ओरिजिन पर, क्योंकि ये कर्व ओरिजिन से पास होता है, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट टर्म यहाँ पर मौजूद नहीं है. देख रहे हैं कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, सारे वेरिएबल टर्म है, ये ओरिजिन से पास होता है, यानी ये कर्व पता हो गया कि ओरिजिन से गुजरता है. और यहाँ पर टेंजेंट निकालना होगा, ओरिजिन पर टेंजेंट क्या होगी तो टेंजेंट एट ओरिजिन हमको पहले हम ट्रेस कर रहे हैं तो ओरिजिन निकालना हो तो लोवेस्ट डिग्री टर्म को यानी एक्स को ज़ीरो के बराबर पुट कर देंगे. एड एस ये इक्वेशन जो होता है एक्स इक्वल टू ज़ीरो वाई एक्सिस का होता है, ये इक्वेशन है वाई एक्सिस का, यानी वाई एक्सिस इसका टेंजेंट होगा, ये हमको पता चल गया. अब इसमें इक्वेशन नंबर जो हमें वन गिविन था उस वहाँ से अगर हम वाई की वैल्यू को फाइंड करेंगे यानी टेंजेंट निकालने के बाद हम वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट लग जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर पहले से है तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी, एक्स माइनस वन होगा और स्क्वायर में सिर्फ एक्स आ जाएगा. हालांकि ये दो वैल्यू होती हैं प्लस माइनस, हम एक ही वैल्यू ले लेंगे क्योंकि हम बता चुके हैं कि जैसा एक्सिस इसके ऊपर बनेगा वैसे नीचे भी लगेगा. प्लस वाली वैल्यू ऊपर के लिए हो जाएगी वाई की और माइनस की वैल्यू नीचे के लिए हो जाएगी. अब यहाँ से ये पता चल रहा है हमको कि x की हम कोई भी वैल्यू रखेंगे पॉजिटिव वाली तो ये y की वैल्यू हमको मिलेगी, रियल वैल्यू मिलेगी x की कोई भी पॉजिटिव, यानी कर्व x जो है कितनी वैल्यू बढ़ जाएगी y की वैल्यू हमको मिलती रहेगी. और ये देख रहे हैं कि x की वैल्यू बढ़ने से y की वैल्यू टोटल वैल्यू बढ़ेगी, तो इसलिए कर्व जो है वो इस तरीके से ऊपर बढ़ता चला जाएगा, ये पता चल रहा है. लेकिन यहाँ पर हमें ये भी पता चल रहा है कि अगर हम y बराबर ज़ीरो रख दें, y बराबर ज़ीरो रख देंगे इक्वेशन नंबर वन में या टू में ही पुटिंग जैसे जो वैल्यू आई इक्वेशन नंबर टू डाल देते हैं पुटिंग y बराबर ज़ीरो, चाहे यहाँ से रख लें या वहाँ से रख लें, इक्वेशन नंबर वन से रख लेंगे तो आराम रहेगी. तो y बराबर ज़ीरो, ज़ीरो के स्क्वायर करेंगे ज़ीरो हो जाएगा, तो ज़ीरो बराबर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में x और x माइनस वन का होल अब स्क्वायर. अगर y बराबर ज़ीरो रखने पर दो फैक्टर इस तरीके से आ जाएँ तो समझ लीजिए कि ये एक्सिस यहाँ पर लूप बनेगा, यानी एक्स एक्सिस पर लूप बनेगा, यानी क्योंकि यहाँ से एक्स की वैल्यू एक मिलेगी ज़ीरो और दूसरे मिलेगी एक्स माइनस वन का होल अब स्क्वायर को जब ज़ीरो रखेंगे उससे भी एक्स माइनस वन बराबर ज़ीरो रखने पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी वन. तो ज़ीरो वन ये लूप की लिमिट हो जाएंगी, यानी लूप हमें पता चल गया है. अभी जितनी इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी है वो ये है कि ये कर्व ओरिजिन से पास होता है और वाई एक्सिस इसकी
टेंजेंट है और साथ में 0 और 1 यानी 0 तो यही हो गया 0,0 में x बराबर 0 ये दूसरा x इक्वल टू 1 आया था ये x इक्वल टू 1 ले लेते हैं यानी 1,0 तो यहाँ पर ये कर्व आके इस तरीके से मिलता है और जैसे ऊपर है ये हम देख चुके थे x एक्सिस के वैसे ही x एक्सिस के नीचे है और इक्वेशन नंबर 2 से पता चल रहा है क्योंकि कर्व गिवन कर्व का ही इक्वेशन इक्वेशन नंबर 2 है कोई भी निगेटिव वैल्यू रखने पर इसका रियल पार्ट हमको नहीं मिल रहा है अंडर रूट के अंदर अगर निगेटिव आ जाएगा तो वाई इमेजिनरी हो जाएगा यानी कोई भी पार्ट जो होगा वो एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में नहीं होगा क्यों वाई की वैल्यू से इमेजिनरी आ रही तो यहाँ पर कर्व का कोई पोर्शन नहीं होगा एक्स के निगेटिव डायरेक्शन में क्या एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर क्योंकि एक्स इक्वल टू 1 यहाँ पर है तो क्या यहाँ एक्स इक्वल टू 1 के बाद में इसका वैल्यू पॉसिबल है जैसे पहले भी बता चुके थे एक्स की हर एक कोई भी वैल्यू आप बड़ी से बड़ी रख लेंगे तो ये वैल्यू जो होगी वाई की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी और हर एक वैल्यू मिलेगी इसका मतलब ये हुआ कि एक्स इक्वल टू 1 के अंदर भी कर्व जैसे जैसे एक्स की वैल्यू हम रखते जाएंगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी एक्स इक्वल टू 1 रखने पर 0 हो जाएगा तो तभी ये कर्व यहाँ पर आके 0 हो गया तो इस तरीके से ग्राफ इस तरीके से इस कर्व का मिलेगा हमें इस लूप का इक्वेशन निकालना है तो लूप का हमें फाइंड करना है क्या फाइंड करना है यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ लूप तो एरिया के लिए हम लोग यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रिप काट लेते हैं जिसकी मोटाई डी एक्स होती है और यहाँ पर अगर पॉइंट पी है उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं तो ये दूरी एक्स होती है और ये डिस्टेंस वाई होती है इस तरीके से एक रेक्टेंगल बनता है जिसका एरिया वाई इंटू डी एक्स होता है ऐसी स्ट्रिप बनती है ऐसी स्ट्रिप हमें लेना है बहुत सारी स्ट्रिप्स लेना है छोटी छोटी स्ट्रिप लेना है जो सभी मोटाई डी एक्स होगी वो एक्स इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है और एक्स इक्वल टू 1 तक ये लेना है यानी और उसका सम करना है यानी इंटीग्रेट करना है एक्स इक्वल टू ये सम ही था जो आगे चल के इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हुआ था तो एक्स इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है एक्स इक्वल टू 1 तक लेना है सारी स्ट्रिप्स को जोड़ना है लेकिन अभी हमने जो एरिया निकाला है वो वाई जो कर्व है ये उसके नीचे का एरिया निकाला है और एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया निकाला और इन दो लाइंस के बीच में यानी ये एरिया निकाला ऊपर वाला अगर हम पूरा एरिया चाहते हैं इनका पूरे लूप का एरिया चाहते हैं तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि जैसे ये एक्स एक्सिस के ऊपर था वैसे नीचे था तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होने की वजह से 2 से इंटू कर देंगे तो हमें मिल जाएगा द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ लूप मिल जाएगा तो लूप एरिया का फार्मूला वाई डी एक्स ने बना दिया या आप पता है डायरेक्ट भी यूज़ करेंगे और वाई की वैल्यू लिखना होगी हमें इक्वेशन नंबर 2 से जो हमने फाइंड करके रखी हुई है इक्वेशन 2 से वाई की वैल्यू है प्लस वाली वैल्यू लिख लें जो कि है एक्स माइनस का 1 और स्क्वायर रूट एक्स है डी एक्स है और इसका इंटू दोनों में कर लेंगे जब हम इस 1 में इंटू करेंगे तो सॉरी एक्स में इंटू करेंगे एक्स रूट एक्स हो जाएगा और इसका 1 में इंटू करेंगे माइनस रूट एक्स हो जाएगा डी एक्स अब इस इंटीग्रेशन के साइन को दोनों ऊपर अप्लाई कर देंगे और इसी के साथ हम ये भी करते हुए चलें कि एक्स की पावर यहाँ पर 1 है और रूट हटाएंगे तो पावर एक्स की 1/2 हो जाएगी डी एक्स माइनस इसमें लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करें इंटीग्रेशन का और यहाँ पर भी एक्स की पावर रूट हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगी और ये इंटू हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगी ऐड होने पर 1.5 जो होता है वो हम लोग जानते हैं 3/2 के बराबर होता है 1.5 डेढ़ होता है ये डेढ़ यानी 3 का 1/2 होता है और यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग जानते हैं पावर इसमें ऐड हो जाती है 1 और जितनी पावर होती है उतना ही हम अपान में लिखते हैं और लिमिट इसकी 0 to 1 इसी तरीके से हमें इसमें भी यहाँ पर भी करना है एक्स की पावर 3/2 और है इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा इंटीग्रेशन हो रहा है तो 3/2 प्लस का 1 हो जाएगा लिमिट इसकी 0 to 1 माइनस इसमें ऐड कर लेंगे एक्स की पावर 3/2 upon 3/2 और लिमिट है 0 to 1 ये 2 ये पावर जुड़ जाएगी तो एक्स की पावर हो जाएगी 5/2 upon 5/2 और इसमें लिमिट हो जाएगी 0 to 1 माइनस ये पलट जाएगा 2/3 हो जाएगा और एक्स की पावर 3/2 लिमिट 0 to 1 तो ये पलट जाएगा 2/5 हो जाएगा और एक्स की पावर 5/2 होल पावर ये लिमिट है 0 to 1 माइनस 2/3 अपर लिमिट 1 रखेंगे पहले तो फिर उसके बाद लोअर लिमिट 0 रखेंगे और ऐसे यहाँ पर भी हमें करना होगा 2/5 था और x की यहाँ पहले 1 रखना है उसकी बराबर 5/2 है हमें 0 रखना होगा लोअर लिमिट उसकी बराबर 5/2 है माइनस का 2/3 1 की बार कितनी करेंगे 1 आ जाएगा यहाँ पर 1 की बार 3/2 थी इसकी वैल्यू 1 हो गई और 0 की पावर भी 3/2 है इसकी वैल्यू भी 0 ही आएगी
इसी तरीके से इसमें भी अगर हम देख रहे हैं 1 की पावर 5 बाई 2 है तो ये भी 1 रहेगा, और 5 की पावर 0, 0 की पावर 5 बाई 2 है तभी ये 0 रहेगा। माइनस 2 इन इसका 2 बाई 3 का 1 में इंटू करेंगे तो 2 बाई 3 आ जाएगा। ऐसे इसमें 2 बाई 5 का 1 में इंटू करेंगे 2 1 5 माइनस का 2 बाई 3 है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 15 इनका एलसीएम हो जाएगा, 3 का इधर इंटू हो जाएगा, 6 5 का यहाँ इंटू हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 10 के इक्वल आ जाएगी, और ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू माइनस का 4 आ जाएगा अपान में 15, और यानी इंटू करने पर माइनस का 8/15। तो यहाँ पर 8/15 ही लिखा जाएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं ये एरिया है, एरिया निगेटिव नहीं होता है, तो निगलेक्टिंग निगेटिव साइन, निगेटिव साइन को निगलेक्ट कर देंगे। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया, पमा अलैना इल्लल बलाग।